नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का AR एग्रीकल्चरल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 के सस्य विज्ञान की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सिंचाई। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुएँ। कुएँ के प्रकार और कुओं के बारे में आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। दोस्तों, पुराने समय में लोग कुएं से सिंचाई किया करते थे, ठीक है। कुएं से सिंचाई करने के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, ये सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुएं की सिंचाई में पानी अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाता है। कुएं से जब हम सिंचाई करते हैं तो इसका पानी जो है बहुत अत्यंत ही सावधानी से प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता है। कुआं में काफ़ी गहराई में नीचे पानी होता है, तो पानी को ऊपर निकालने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है। इसलिए हम बहुत ही सावधानी से कुएं से निकाले गए पानी का सावधानी से प्रयोग करते हैं। यह पानी गहराई से उठाना पड़ता है, जिससे बहुत ही बड़ा श्रम करना पड़ता है। यह पानी छोटे छोटे बराहों और क्यारियों द्वारा खेतों में फैलाया जाता है। खेतों में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे बराह बनाए जाते हैं और क्यारियां बनाई जाती हैं। जैसे कि ये हमारा एक खेत है, तो इसमें क्या करा जाएगा, एक छोटे से बराहे बनाए जाएंगे, बराह बनाया जाएगा और फिर क्यारियाँ बना ली जाएंगी। क्यारियों के माध्यम से, जैसे ये बराह है, इसमें पानी हमने छोड़ा, कुएँ से पानी डाला और धीरे धीरे करके इस यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें पानी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बराह बनाएंगे, बराह से छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके क्यारियों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। यह पानी छोटे छोटे बराहों और क्यारियों द्वारा खेत में फैलाया जाता है। यह पौधे को अपनी तीव्र गति से रौंदता हुआ ना जाकर धीरे धीरे रेंगता हुआ बहता है। कुएँ से जब हम पानी निकालते हैं, कुएँ से पानी निकालते हैं, तो हम धीरे धीरे पानी को निकालते हैं और धीरे धीरे पानी निकलता है और धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। तो क्या होता है कि पानी जो है धीरे धीरे रेंगता हुआ सभी सभी जो है पूरे खेत में जाता है, जिससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं खेत में वह नष्ट नहीं होते और ख़राब नहीं होते हैं। और इस कारण से क्या करते हैं, जब हम नहर से सिंचाई करते हैं तो नहर से सिंचाई करने में पानी तीव्र गति से बहता है और कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट होते हैं। तो ये जो है फ़ायदा रहता है कुएं से सिंचाई करने का। और नुकसान क्या रहता है कि कुएं से सिंचाई करने में अधिक श्रम लगता है, ठीक है। आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो श्रम बढ़ जाता है, ठीक है। और फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि पौधे नष्ट नहीं होते हैं पानी की तीव्र गति के कारण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुओं के प्रकार, कुओं के कितने प्रकार पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो कुएं के जो प्रकार होते हैं, वह कुएं जो है वह चार प्रकार के होते हैं। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के कुएं पाए जाते हैं। कौन कौन से, कच्चे कुएं पाए जाते हैं, पक्के कुएं पाए जाते हैं और नलकूप और बुम्बकूप। ये कच्चे कुएं, पक्के कुएं, नलकूप और बुम्बकूप क्या होते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। आगे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कच्चे कुओं के बारे में। चलिए कच्चे कुओं के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि ये जो है हमारा कच्चा कुआं बनाया गया है। कच्चा कुआं जो है क्या है, ये जो किसान हैं इन्होंने अपनी सिंचाई के लिए क्या किया, ज़मीन को खोदना स्टार्ट किया, गोल गोल खोदकर स्टार्ट कर दिया और नीचे जो है रिसके पानी आ जाता है, इनको हम लोग कच्चे कुएँ बोलते हैं। जैसे बाद ये आप लोगों के सामने है, ये जो है पक्का कुआँ, पक्का कुआँ ये जो है आप सामने देख रहे हैं, पक्का कुआँ ईंटों के द्वारा बना हुआ है पक्का कुआँ। कच्चे कुएँ में क्या समस्या रहती है, कच्चे कुएँ जो है बारिश होने के कारण या अत्यधिक बारिश हो गई या धीरे धीरे पट जाते हैं, तो उनको दोबारा से खोदना पड़ता है। पक्के कुएँ में क्या फ़ायदा रहता है, पक्के कुआँ एक बार जैसे बना दिया और फिर जो है उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अब कच्चे कुएँ, पक्के कुएँ आप लोगों ने चित्र के माध्यम से देख लिए। अब हम लोग कच्चे कुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कच्चे कुएँ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जिन स्थानों पर नहर इत्यादि की सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ
पक्के कुएं बनाने के लिए धन व्यय नहीं कर सकते हैं, वहां कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। समझ में आया कि जिन स्थानों पर नहरें नहीं हैं और पक्के कुएं बनाने के साधन नहीं हैं, पक्के कुएं बनाने में व्यय अधिक आएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर कच्चे कुएं जो है बहुतायत में बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पृथ्वी की सतह में चिकनी भूमि या कड़ी भूमि अधिक निकलती है, वहाँ कच्चे कुएं कई वर्ष तक काम देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ पर चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी और कड़ी भूमि निकलती है, वहाँ कच्चे कुएं जो है कई वर्षों तक काम में आते हैं। ऐसे कुएं केवल खुदाई के व्यय पर तैयार हो जाते हैं। केवल क्या करना है, खुदाई करनी है और जो है कुएं तैयार हो गए। इनकी खुदाई का व्यय कुओं की गहराई पर निर्भर करता है। कहीं पानी बहुत अधिक गहराई पर निकलता है और कहीं पानी कम गहराई पर निकलता है। ठीक है, तो ये जो है क्या चीज़ किस पर निर्भर करता है, कच्चे कुएं? कच्चे कुएं केवल जो है खुदाई की मजदूरी पर निर्भर करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, पानी का वाटर लेवल ऊपर होता है तो हमें जो है कुआं कम खोदना पड़ता है, और कहीं कहीं गहराई पर पानी मिलता है तो कुआं जो है अधिक खोदना पड़ता है, तो अधिक कुएं की खुदाई के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता होगी, और यानी व्यय की आवश्यकता होगी। जैसे कि राजस्थान में जो है, राजस्थान में बीकानेर अगर ले लिया जाए तो वहाँ पर कुएं अधिक गहराई में खोदने पड़ेंगे, और अपने अपने यहाँ जहाँ तराई क्षेत्र होता है वहाँ पर कुएं कम कम व्यय में और कम व्यय में खुदाई की जा सकती है। हमारे राज्य, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हमारे राज्य में पूर्वी जिले में पानी कम गहराई पर निकलता है, अतः यहाँ कच्चे कुएं कम व्यय में आसानी से खुदा खुद जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्वी जिलों में क्या है, कम गहराई पर हमारे यहाँ पानी मिलता है, तो यहाँ जो है आसानी से पानी मिल जाता है और कच्चे कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालू। जिन स्थानों में कुआं खोदते समय बालू मिलती है, वहां कुएं बहुत आसानी से यानी शीघ्र गिर पड़ते हैं। कहीं कहीं ऐसे कुओं से अधिक समय तक काम लेने के लिए उनके नीचे के भाग को पक्की ईंटों से तैयार किया जाता है। क्या करते हैं, जहां बालू मिलती है वहां जो है नीचे का जो कुएं का भाग है उसको पक्की ईंटों से तैयार कर देते हैं, जिससे कि अधिक समय तक वह कुआं जो है पानी देता रहे। कुआं खोदने में बलुई, चिकनी, कंकरीली और सख्त तहें बारी बारी से मिलती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कुआं खोदने में सभी तहें अवश्य मिलें। ठीक है, जैसी धरती और गहराई होती है, तहें भी उसी के अनुसार मिलती हैं। प्राचीन काल में कच्चे कुएं का बड़ा प्रसार था, यानी प्राचीन काल में कच्चे कुएं बहुत मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि कच्चे कुएं शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं और इनमें पानी भी कम निकलता है, अतः गत वर्षों में कच्चे कुओं के स्थान पर पक्के कुएं का प्रचार काफ़ी बढ़ा है, यानी पक्के कुएं बनाना स्टार्ट हुए हैं। तो अब हम लोग पक्के कुओं के बारे में पढ़ेंगे कि पक्के कुएं जो है किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, कच्चे कुओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं पक्के कुएं के बारे में। पक्के कुएं जो है वह क्या होते हैं, पक्के कुओं को पक्का बना देना पर उनके शीघ्र बिगड़ जाने का भय नहीं रहता। जो पक्के कुएं होते हैं वह शीघ्र बिगड़ते नहीं हैं। पक्के कुओं को हम लोग क्या करते हैं, पक्के कुओं को ईंटों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ईंटों से। उनकी जो अंदरी दीवार है उसको हम लोग ईंटें बिछा के अच्छे से ईंटों से उसका निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ईंटें लगा देते हैं खुदाई करके, पहले खुदाई करते हैं और फिर ईंटों से जो है उसको पक्का बना देते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पक्के कुएं कहलाते हैं। इन कुओं में कच्चे कुओं की अपेक्षा पानी अधिक अधिक रहता है। कच्चे कुओं की अपेक्षा क्या रहता है, इनमें पानी अधिक रहता है, पानी अधिक रहता है कच्चे कुओं की अपेक्षा। ठीक है,
और शीघ्र समाप्त पानी शीघ्र समाप्त नहीं होता है। पक्का कुआं बनाने के में चतुर और अनुभवी लोगों की राय लेना अत्यधिक आवश्यक है। कुएं की कोठी पक्की दीवार लगाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तनिक सी असावधानी से उसके टेढ़े हो जाने का भय रहता है। यानी जब चुनाई की जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक जो है पक्के कुएं की चुनाई की जानी चाहिए और अनुभवी लोगों द्वारा पक्के कुएं की चुनाई करानी चाहिए यानी बनाया जाना चाहिए। पक्के कुएं बनाने में साधारणतया लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति कुआं खर्च होता है। कुएं से सिंचाई करने के लिए रहट अथवा चर्रों का प्रयोग होता है। यानी किसका प्रयोग होता है, कुएं से सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता है और चर्रों का प्रयोग किया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। रहट का प्रयोग पानी कुएं से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग पक्के कुएं देख रहे होंगे। पक्का कुआं ये देखो कितना बढ़िया कुआं बनाया हुआ है। ये आसानी से पटते नहीं है, लंबे समय तक पानी इनमें स्टोर रहता है। ये देखो आप लोग ट्यूबवेल देख रहे होंगे कि आप लोग अब जो है ट्यूबवेल बनाए जाते हैं। तो ट्यूबवेल के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ट्यूबवेल के बारे में पढ़ते हैं। ट्यूबवेल को हम लोग बिजली के कुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली के कुएं इनको कहा जाता है। ट्यूबवेलों को क्या कहा जाता है, बिजली के कुएं कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रायः बिजली की शक्ति से पानी ऊपर उठाया जाता है। क्या होता है, इनमें बिजली की सहायता से यानी मोटर की सहायता से पानी ऊपर उठाया जाता है। लेकिन पानी को उठाने के लिए बिजली के स्थान पर अगर बिजली नहीं है तो हम डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं, तेल अथवा भाप से चलने वाले इंजन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नलकूप पक्के कुओं में लोहे का नल भूमि में लगाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है कि पक्के जो कुएं होते हैं, पक्के कुओं में लोहे का नल लगाते हैं। लोहे का नल भूमि में लगाकर तैयार किए जाते हैं। जब तक पर्याप्त पानी में पानी नहीं मिलता तब तक नल गलाते रहते हैं। पानी प्रायः बलुई तहों में मिलता है, अतः नल गलाते समय इस बात का ज्ञान कर लिया जाता है कि बालू कहाँ कहाँ पर है। फिर पहले नल को निकाल कर उसके स्थान पर दूसरे नल लगा देते हैं, जिसमें उस सब जगहों पर जाली होती है जहाँ जहाँ बालू होती है। इन जालियों से होकर कुएं में पानी आता रहता है और बालू भीतर नहीं आती है। कुएं से पानी को बिजली अथवा तेल या भाप इंजन की शक्ति से ऊपर उठा लिया जाता है। नलकूप दिखाया गया है कि भूमि की जिन सतहों में मोटी बालू है वहाँ जालीदार नल डाला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं नलकूप बनाने के लिए। नलकूप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक पतला पाइप लेते हैं, इसको जो है नीचे ज़मीन में गलाते हैं। ठीक है, ज़मीन में गलाकर ये नीचे चला जाता है। तो इसके बाद जो है जहाँ पर हमें बालू मिल अधिक मात्रा में मिलती है वहाँ पर पानी होने की संभावना बढ़ जाती है और वहाँ पर पानी मिलता है। तो जब फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पाइप को बाहर निकालते हैं, इसमें दूसरा एक पाइप डालते हैं और दूसरा पाइप जब हम डालते हैं तो उसके नीचे हिस्से पर जाली लपेट देते हैं। क्या करते हैं, जाली लपेट देते हैं जिससे कि बालू अंदर नहीं जाए और पानी जो है पाइप से ऊपर जब हम चलाएंगे बिजली से, जब हम बिजली से मोटर के माध्यम से पानी निकालेंगे तो पानी बाहर आता रहे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी होगी और यही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, सभी लोग जानते हैं इसको। जैसे हम लोग अपने घर में नल लगाते हैं उसी तरह से बड़े बड़े जो है ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत
बड़ी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आजकल एक साधारण ट्यूबवेल बनाने में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। ट्यूबवेल बनाने में 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। इसके लिए भूमि के अंदर लगभग 60 से 90 मीटर गहराई तक बोरिंग की जाती है। क्या करता है, बोरिंग की जाती है और 15 से 20 या 25 सेंटीमीटर व्यास के नल भूमि के अंदर डाले जाते हैं। किसी किसी दशा में ट्यूबवेल दो लाख 27,300 लीटर से अधिक पानी प्रति घंटा देता है, ठीक है। इस प्रकार अच्छे ट्यूबवेल एक दिन में लगभग 2 हेक्टेयर भूमि तक सींच सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक ट्यूबवेल से 2 हेक्टेयर भूमि एक दिन में सींची जा सकती है, लेकिन औसत ट्यूबवेल से प्रतिदिन लगभग 1 हेक्टेयर भूमि सींची जा सकती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग कहते हैं तो बुम्बकूप या पाताल तोड़ कुएँ, बुम्बकूप या इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कूप बोलते हैं। यह केवल उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल की युक्त सतह तस्तरी नुमा होती है। कैसी होती है, तस्तरी नुमा होती है, ऐसी इस तरह से तस्तरी नुमा जहाँ पर सतह होती है वहाँ पर इस तरह की जो कूप हैं वह पाए जाते हैं। इनके दोनों ओर अभेद्य चट्टाने होती हैं, दोनों ओर क्या होती हैं, अभेद्य चट्टाने होती हैं। पर्वतों की तलहटी में पानी की इस प्रकार की तहें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, ये पर्वतों की तलहटी में इस तरह की सतह पाई जाती हैं। बेसिन के तलों पर छेद यानी बेसिन के तलों पर बोरिंग करके कर देने पर पानी स्वतः ही बड़े बड़े वेग से सोते के माध्यम से फूट निकलता है, ठीक है। क्या करते हैं, ये जैसे दोनों तरफ चट्टाने तो अगर थोड़ा सा भी बोरिंग करते हैं तो सोते के माध्यम से जो है पानी अपने आप ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगता है अधिक वेग से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुम्बकूप कहते हैं। और निरंतर क्या होता है, पानी बहता रहता है। हमारे देश के तराई क्षेत्रों में इस तरह के कुएं काम करते हैं। हमारे देश में इस तरह के कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्रों में इस तरह के कुएं पाए जाते हैं, जैसे धामपुर के निकट गंगा फार्म, राजकीय पशुपालन एवं कृषि फार्म हेमपुरा, नैनीताल और रुद्रपुर क्षेत्र में कई ऐसे कुएं हैं। बुम्ब कुएं बनाए गए हैं। इन कुओं को पाताल तोड़ कुआं अथवा उत्सुत कूप भी कहते हैं। पाताल तोड़ कुएं इटावा जिले में यमुना नदी के किनारे वाली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है तराई क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये यमुना नदी के किनारे वाली भूमि में भी इस तरह के कुएँ पाए जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने कच्चे कुएँ, पक्के कुएँ, ठीक है, नलकूप और उत्सुत यानी बुम्बकूप सब के बारे में पढ़ लिया है। तो आगे ये आप लोग बुम्बकूप देख सकते हैं। बुम्बकूप इस तरह से बनाए जाते हैं, स्वतः ही पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बुम्बकूप है ये। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे तालाब के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को कल इसी टाइम पे।